हमारे अतिथि बैठे हैं जो कलाकारों के प्रति बहुत नर्म दिल रखते हैं, काफी जानकारी रखते हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुँचाएं कि कृपा करके कि कलाकारों का थोड़ा और मान भी बढ़ा दें, क्योंकि जो उनको मिले तो उनकी संस्कृति ऐसी बची रहेगी। मैं जैसा कि आप बोल रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपने कोरोना की बोलेंगे थोड़ा सा समर्थित करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों की तरफ से। रितमास पल जीना दिन बीती जाला, रितमास पल जीना दिन बीती जाला, नए फूलों तेरी सूरत फूलों बहारों में, इन बारों में नए फूलों तेरी सूरत और उनके साथ पिताजी दुष्पन्नों को याद करें और हम सब भी आशीर्वाद के लिए पाए जाए। कुछ कह भी नहीं पाऊंगी अभी, मुझे बोला कि आप कुछ लिख के दीजिए, वो मेरे लिए ऐसा कि बोलना शुरू कर तो खत्म ना कर एक काम करता था उसके साथ, ये तेरी मेरी माया सुबह मैंने उसके अपना बड़ा भाई माना हुआ था, उसी ने वो अपने दिमाग में फिर क्या और जब मुझे ये पता चला कि उसने राजनीति नहीं करना अलग तरीके से, तो अभी तक जब से मैं उस गीत को सुन रही हूँ मुझे ये विश्वास ही नहीं होगा और मुझे ये भी नहीं पता कि वो विश्वास होगा कि नहीं। अभी बहुत सी चीजें थी उसके साथ करने के लिए और जितनी भी कला बढ़िया मैंने उन सबसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि आज तो ये हादसा हुआ है तब आप सब तो यहाँ आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दिन ऐसा नहीं हो कि सारे कलाकार एक जो लोग के अपनी अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं अच्छी हैं वो भी उसको शेयर करें, क्योंकि तो जाने के बाद हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं उसके परिवार को मदद चाहिए, मदद चाहिए, ये दो वो दो, क्या ये जरूरी नहीं है किसी के जाने से पहले इस बात पर भी कुछ बात की जाए। हमारी सरकार, मैं सुनती हूँ कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट संस्कृति विभाग से नियम है वो जा रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए, मुझे पता चला कि पहले तो उनको जो अमाउंट मिलता था बहुत ही कम था, अभी शायद 450 रुपये रखते कई सभी शेयर में उनके, हम बोल रहे हैं हमें बॉलीवुड बनाना है, हमें बॉलीवुड बनाना है, हमें ये बनाना है, लेकिन जब तक सब एक नहीं होंगे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सर भी आपने जैसे बोला कि बहुत सी चीज़ें शायद आप मैम तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन कलाकार नाम से बहुत बातें हैं, लेकिन पैसा ये सब कुछ नहीं है, और अगर आप सब मिली इस बात से सहमत हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शोक सभा में हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं सिर्फ दुख में ही क्यों, एक बार साल में एक बार दो बार कभी भी हम सब कलाकारों को आपस में एकत्रित होना चाहिए, अपने मन मुटावों को एक तरफ रखिए और जो हमारे संस्कृत की अच्छी चीजें हैं उसको आप सब एक तरफ रखें। शोक में मिलने से अच्छा है कि हम पहले ही एक दूसरे से मिले, और मैं संस्कृत विभाग के लिए आपको एक सारी चीज ये बोलना चाहूंगी कि मेडिकल इंश्योरेंस भी हमारे कलाकारों को होना चाहिए, क्योंकि जब वो चले जाते हैं उसके बाद ये होता है कि एक अमाउंट चलो उनको दे दो, जिससे ये प्राइवेट कंपनीज हैं हम लोग खुद भी अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो कलाकार सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए संस्कृति विभाग से ही ना हमारी सरकार से मिलने की अपील करूँगी, मैं खुद भी एक दिन जाऊँगी यहाँ से बात करने के लिए मैं जाऊँगी कि उनको एक मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाए चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे जैसा भी हो। और हाँ ये बात भी मैं आप सबसे जरूर कहूँगी कि हाँ मैं भी प्रोग्राम करने जाती हूँ, मुझे भी बहुत जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी निकलो प्रोग्राम खत्म हो गया, निकलो आप सब भी कलाकार हैं और आप सबसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ रात को बिल्कुल ना निकलें, चाहे आपका ड्राइवर भी पूरी रात भर सो रहा हो फिर भी हमारे भी घर में बच्चे हैं बड़े हैं माँ बाप हैं, आप लोग सब पूरी रात की नींद लेके ही हैं, अभी तक इतनी मेहनत कर रहा था अच्छा कमा रहा था अपने परिवार को देख रहा था,
और एक छोटा सा बच्चा भी वो अपने साथ छोड़ के चला गया। जीव ने छना बराने का सेवा में रह गए। जीव ने छना बराने